प्रश्न का एक आगे प्रश्न है कि क्या ये इल्यूजन है कि हम अपने जो क्रोध को रूट से निकाल नहीं पा रहे हैं। वो रूट से नहीं निकाल पा रहे हैं, वो आप कैसे कह सकते हैं? जब तक कि आप अपने अनुभव में मालूम पड़ता है ना हमको कि मेरे में जो टेंडेंसी थी कोई भी, वो पहले इतनी ज्यादा थी, फिर और कम थी, फिर और कम थी, और फिर समाप्त हो जाएगी। तो ये कहना कि रूट से नहीं निकाल पा रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आया किस तरह से वो कह रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे। जब आप अभ्यास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, धीरे 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 कम हो जाएंगे, और जब आप उसकी अविद्या के जड़ तक निकाल देंगे, इसलिए भगवान कहते हैं ना, अविद्या एतैव अशेष विराग निरोध, अविद्या का बिल्कुल अशेष बजाय रिमाइंडर ही ना बचे, तब जाके वो होगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अविद्या उस हद तक ही कि हम जब हम संयोजनों की बात करते हैं तो उसमें भगवान समझाते हैं कि जो राग और द्वेष हैं वो पूरी तरह से अनागामी फल के बाद ही समाप्त होते हैं, उससे पहले समाप्त नहीं होते। श्रोतापन में राग और द्वेष रहता है, कम हो जाता है। सकदागामी में राग और द्वेष रहता है और कम हो जाता है। अनागामी में जाके सारे राग द्वेष समाप्त होते हैं, क्योंकि उनको और सिर्फ वही बहुत सटल लेवल की अस्मिमान रह जाता है, और उसके कारण होने वाले जो मन के इम्बैलेंसेस हैं, थोड़ा स्पिरिचुअल रेस्टलेसनेस एंड इग्नोरेंस ऑफ दैट फंडामेंटल वेरी सटल काइंड ऑफ इग्नोरेंस, वो रह जाती है, जो कि अरहंत के फल पे समाप्त होती है। तो ये जो मार्ग है, कई बार हम ये सोचते हैं कि हम इतनी साधना कर रहे हैं, अभी भी गुस्सा आ रहा है, अभी भी रतवेज जाग रहा है, तो जागेगा, ऑफ कोर्स इट विल। आप श्रोतापन भी की डुबकी भी लग गई तब भी रहेगा, सकदागामी की डुबकी रह गई तब भी रहेगा, कम हो जाएगा। जब आप अनागामी को की डुबकी लगेगी, आप अनागामी फल को प्राप्त करेंगे, तब राग और द्वेष समाप्त होंगे। सो वी शुड नॉट थिंक कि रूट से नहीं निकल रहा है। ऑफ कोर्स इट विद इन आवर लेवल ऑफ प्रैक्टिस इट विल नॉट, इट विल टेक टाइम।